प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्स को आधा ग ज गज कब पढ़ते हैं, देखिए और समझते हैं। आपके सामने दो शब्द हैं तो एक्स को गज कब पढ़ा जाता है। देखिए, यदि किसी शब्द में एक्स के बाद कोई स्वर आता हो तो वहाँ पर एक्स का उच्चारण गज किया जाएगा, तो तब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे ई और एक्स को हम गज लिखेंगे एग्जाम, तो हम इस प्रकार से इसे लिखेंगे एग्जाम। तो दूसरा शब्द है, यहाँ भी एक्स के बाद ए आ रहा है जो कि एक स्वर है, तब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे ई, एक्स का उच्चारण अध ग ज, यहाँ पर ई भी लगाया जाता है। और यहाँ देखिए, एक्स का उच्चारण गज हो रहा है तब हम इसे पढ़ेंगे एग्ज अदमा पल एग्जाम्पल, इस प्रकार हम लिखते हैं। वैसे हम इसे इस प्रकार पढ़ते हैं एग्जाम एग्जाम्पल, लेकिन शुद्ध में इस प्रकार पढ़ा जाता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको नोट्स में लिखा हुआ बताया है, तो अब आपको नोट्स बताता हूँ। देखिए, यदि किसी शब्द में एक्स के बाद स्वर आता है तो तब एक्स का उच्चारण गज किया जाएगा, उदाहरण के लिए एग्जाम एग्जाम्पल, और यहाँ पर आप इसका भी यूज करते हैं एग्जाम एग्जाम्पल। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।